हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबॉक्सिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं T10 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं। ये जो स्मार्ट वॉच है, ये आप लोग को 800 से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएगा। और मैं इस स्मार्ट वॉच को 800 रुपीज़ में ख़रीदा हूँ। और ये जो स्मार्ट वॉच है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं सोचा आप लोग के लिए भी ये रिव्यू कर दूँ इस स्मार्ट वॉच की। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आप लोग को एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे आप स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप लोग को एक पेयर स्ट्रैप देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर में, और आप ब्लैक कलर में भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद इसमें आप लोग को एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलेगा स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए। फिर मेन प्रोडक्ट मिलता है अपना स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच की डिज़ाइन की बात करें तो राइट साइड में आप लोग को एक क्राउन बटन देखने को मिलेगा, उसके नीचे एक माइक्रोफोन दिया गया, और उसके नीचे आप लोग को एक ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा, और इसके लेफ्ट साइड में आप लोग को एक स्पीकर ग्रिल और एक एक्शन बटन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके बैक साइड में देखें तो आप लोग को सेंसर देखने को मिलेगा, और स्क्रू भी प्रॉपर आप लोग को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे स्ट्रैप लॉक भी मिल जाता है। स्मार्ट वॉच की जो केस है वो फुल्ली मेटल की आती है, जिस वजह से स्मार्ट वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोग को इनबिल्ट 5-6 वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, और आप इसके ऐप के थ्रू ढेर सारे वॉलपेपर को कस्टमाइज करके इसमें लगा सकते हैं। स्मार्ट वॉच को ऊपर से नीचे स्लाइड करने पर यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, और नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर आपको कुछ शॉर्टकट बटन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आप लोग यहाँ पे 6 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, तो आप कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें आप लोग को फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अंधेरे में इसका यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन है वो काफी बड़ी लग रही है। इसमें आप लोग को 2.09 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफी बड़ी है। स्मार्ट वॉच के मेन मेन्यू पर आने पर सबसे पहले आप लोग को डायलर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कोई सा भी नंबर डायल करके किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। फिर आप लोग को फोन बुक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें आप लोग को हार्ट रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसकी सेंसर है वो पूरी तरीके से फेक दी गई है, ये वर्क नहीं करता है। अगर आप इसे हाथ में नहीं भी पहनोगे तो यह जो है रीडिंग दिखा देगा, जैसे कि अभी 79 BPM दिखा रहा है। लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पर इसमें आप लोग को स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप टाइम वगैरह देख सकते हैं, बैटरी वगैरह, और इसमें आप लोग को 4 शॉर्टकट बटन देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग को वेदर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्मार्ट वॉच को आप अपने फोन से कनेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे वेदर है जो शो होगा। और उसके बाद इसमें आप लोग को स्टॉप वॉच का भी फीचर्स मिलता है। इस स्मार्ट वॉच में एक गेम भी दिया गया है, जो कि फाइटर पायलट के नाम से आता है, और आप कुछ इस तरीके से इसमें गेम खेल सकते हैं। इसमें आप लोग को कैलेंडर का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें डेट वगैरह इजीली देख सकते हैं। और इस स्मार्ट वॉच में आप लोग को कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप स्कूल में इसे यूज कर सकते हैं अपने मैथ के टेस्ट में। यह एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, और मैं इस स्मार्ट वॉच से कॉल करके देखा, मुझे इसके माइक की और स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और ये हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, और आप उस ऐप से इसे कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच को। 800 रुपीज़ के हिसाब से ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।